सॉरी मॉम, हम दोनों आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम दोनों को पूरा हक है इस कड़वे सच को जानने का। और ये कड़वा सच ये है कि तुम्हारे पापा की और एक पत्नी है। और उसके बच्चे भी। डैड की दूसरी वाइफ, मतलब ये कब कैसे? ये सब जबरदस्ती के थोपे हुए रिश्ते हैं जो तुम्हारे पापा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में हमें भी कुछ नहीं पता था, जब पता चला तो हम पागल से हो गए थे। धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ भूल गए, पर अब कुछ ऐसा हो गया है कि सारे जख्म फिर से हरे हो गए। मॉम, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम दोनों डैड से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। पर डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था मॉम। नहीं नहीं, इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारे पापा पहले भी हमारे साथ थे और आज भी। ये सारा किया धराया उस खटिया औरत का है। ये सारी चाल उस लालची औरत की है। पहले तो उसने मुंगेर के घर को हड़प कर लिया और जब तुम्हारे पापा ने उस घर को छोड़कर हमारे पास मुजफ्फरपुर चले आए तो क्या मॉम? अब ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मॉम, कल आप और डैड उसी औरत के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ, और अब वो लालची औरत मुंगेर छोड़कर मुजफ्फरपुर आ गई है अपनी बेटियों के साथ। और कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है तुम्हारे पापा से पैसे हथियाने का, कभी खुद के नाम पर, कभी बेटियों के नाम पर, कभी शादी के नाम पर। पर तुम्हारे पापा ने बाप का फर्ज निभाने के लिए अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता उसकी बेटी से तय करवाया। उनका एहसान मानने के बजाय वो माँ बेटियों ने मिलकर तुम्हारे पापा की बेइज्जती की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मॉम, हम दोनों ने पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखा। मॉम, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आपको रोता हुआ नहीं देख सकते मॉम। मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी, कभी नहीं। तुम्हारी मॉम रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से। दो शादियां करने के बावजूद तुम्हारे पापा ने मुझे कभी दो रिश्तों के बीच नहीं झुलाया। हम तुम्हारे पापा पे भरोसा करते हैं पर उस लालची औरत पर नहीं। और हम वादा करते हैं उस औरत को उसके बच्चों के समेत तुम्हारे पापा से दूर नहीं कर दिया ना, तो हमारा नाम भी ललिता नहीं। और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। और मॉम, इस लड़ाई में आप अकेली नहीं है, हम दोनों भी आपके साथ हैं। ये तो गुल्लू है। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो गुलगुले? आप चॉकलेट नहीं खिलाओगे?
परेशान हो? दीदी वो हमारे स्कूल फीस जमा करवाने की आज लास्ट डेट थी और स्कूल से नोटिस भी आ गया। हमने माँ से कहा था, माँ ने कहा था कि वर्मा जी के यहाँ से पेमेंट मिलते ही वो स्कूल फीस भर देंगे। मैं आज फिर जाके घर पे माँ से बात करूंगी। ए पगली, परेशान काहे होती हो? हम माँ से बात करेंगे ना, पैसा भी ले लेंगे और फीस भी जमा कर देंगे। हमारी कुश्ती कॉम्पिटिशन की फीस भी तो बाकी है, वो भी हम जमा करवा देंगे। चिंता काहे करती हो, चलो। तुम दोनों जाकर कॉलेज में एंजॉय करना ठीक से। मॉम आप अपना ध्यान रखना और ये फालतू का बात सोच सोच के ना खुद को परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा। मॉम आज आप ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं चली जाती? अच्छे से हेड मसाज कीजिए और सब कुछ भूल जाइए, या फिर मॉम मार्केट चले जाइए और ढेर सारी शॉपिंग कर लीजिए। ठीक है समझ गए, अच्छा आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम इतनी कमजोर है कि ऐसी छोटी मोटी बातों से टूट जाए? नहीं मॉम कभी। मॉम आज कॉलेज में है ना, रंजू की बेटियों को तो हम देख लें, हम दोनों आपके बेटे, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं उन्हें। ऑल द बेस्ट। चलो मॉम फिर हम निकलते हैं। बाय। आप भी ख्याल रखिएगा अपना। बाय मॉम। बाय। पिताजी बचपन में हमसे तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिए थे और तभी से हम तुम्हें अपना मान लिए थे। जब मौका मिला तो जी भर के तुम्हें निहारने की कोशिश की और रिश्ता लेकर तुम्हारे घर तक पहुंच गए, लेकिन जो उस दिन हुआ उसके बाद हमारा मिलना मुश्किल है।